कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर थाना बेलीपार में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रविवार को थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र के सभी धार्मिक समुदाय के धर्मगुरुओं और क्षेत्र के गणमान्यों की एक बैठक किया गया। इस दौरान बैठक में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को खत्म करने हेतु धार्मिक एवं मजहबी विचारधारा से ऊपर उठकर लोगों को जागरूक रहकर सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। लोग घरों में रहकर प्रशासन का सहयोग करें तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। बैठक में प्रमुख रूप से वरिष्ठ उप निरीक्षक डीएस पांडे, शेर बहादुर यादव, एडवोकेट संतोष सिंह, नरेंद्र सिंह सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, प्रचार प्रसार करें और अगर गांव में कोई आता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो आप थाने को सूचना दे दीजिए। सूचना दे देंगे तो उससे ये होगा कि कम से कम हमारे रिकॉर्ड में वो रहेगा, आदमी कौन है, कौन कहाँ से आया है, बाहर से कब आया है। कर दीजिए उसमें जी सर। बाहर से अगर कहीं मस्जिद मदरसा में कोई आके रुका हुआ है उनकी भी सूचना दे दी जाए। अगर कोई मस्जिद में आके रुका है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको फांसी पे लटकाने जा रहे हैं, बात समझ लो। मस्जिद में आके रुका है उसका प्रॉपर चेकअप हो जाएगा और चेकअप होने के बाद ये अगर पॉजिटिव होगा तो उसको ले जाके आइसोलेशन में करा देंगे, निगेटिव होगा तो पड़ा रहेगा हम दो चार दिन दस दिन, मान लो क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए स्कूल कॉलेज वहाँ पे रोक दिया जाएगा। मान लीजिए एक संक्रमण हुआ, एक आदमी को हुआ और वो आगे कितने से मिला होगा, पीछे कितने से मिला होगा पता ही नहीं है, कितना लिंक निकालोगे, अभी मिले होंगे क्या क्या हुआ होगा। इसलिए बेहतर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा गया है, पहले से ही आप रोक लगा दीजिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के साथ कोई मिसबिहेव दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, आराम से उसको ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट से आदमी बच जाता है, बता दिया जाए उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जिससे इसको था, ये एक गायिका थी ना कनिका कपूर क्या, अब उसका निगेटिव आने लगा, एक दो और निगेटिव देख के उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, सही हो गई। इसी तरीके से जिसका इलाज हो जाएगा वो सही हो जाएगा, और जो छिपाएगा कि हमें खांसी आ रही सांस, कोई सामूहिक आयोजन मत करिएगा आप लोग, कहीं भी कोई छोटा मोटा कोई भी आयोजन नहीं करना है, कुछ दिन के लिए सब टाल दीजिए। कई जगह ऐसा मिसाल पेश किया गया मोबाइल से, ले बच तो जाए भाई, अभी तो वलीमा करेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ स्पष्टीकरण है, किसी को हमें प्रताड़ित नहीं करना है। हम सामान्य रूप से ये चाहते हैं कि सब कोई सर्वाइव करे, ऐसे हमारे क्षेत्र में, आपके गाँव में, आपके परिवार में, आपके समाज में सब लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लोग ये बार बार रोज अनाउंसमेंट से लेके हर कुछ कर रहे हैं, प्रयास एक्टिविटी कर रहे हैं। भारतवर्ष के लिए और अमेरिका ने भी यही कहा है कि जो मास्क लगाएगा वो बच जाएगा। इसी में शासन का दिशा निर्देश आदेश है कि सभी धर्म गुरुओं से और कुछ मानिंद लोगों के साथ बैठ के वार्ता कर ली जाए कोरोना के संबंध में, जो कि एक ये हो रहा है कि सामूहिक कोई आयोजन ना किया जाए इस संबंध में बताया गया है, और सामूहिक आयोजन के अलावा इन लोगों और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं गाँव में, इनके क्या होना है, ये सब परिस्थितियों को बताया गया है। और सर कुछ इस तरह भी लोगों को ये अवेयरनेस किया गया है कोरोना को लेकर? हाँ, इन्हें बताया गया कि कैसे कैसे होता है, कैसे बचना चाहिए, जो कि पहले से ही बताया जा रहा है कि हाँ हैंड वॉश करना है, हाथ धुलते रहना है, मास्क लगाना है, घर में से निकलना नहीं है, घर में जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की स्थिति को पालन करें, इमरजेंसी की स्थिति में कहीं जाना हो तो उसके लिए समय कागज वगज लेके संपूर्ण रूप से तब जाएँ, यही सब परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिससे इनको पालन करने के लिए बताया गया है। सर कुछ जो मंदिर मस्जिदों का भी सहारा ले रहे हैं छुपने के लिए, उसके लिए बताया गया है मंदिर या मस्जिद जो भी होगा, अगर कोई नया आदमी वहाँ पर रुक रहा है तो उसकी सूचना इन्हें तत्काल देनी पड़ेगी। वैसे भी पुलिस स्तर पर थाना द्वारा थाना स्तर पर बताया गया है कि ये लोग मस्जिदों और मदरसों को भी चेक करेंगे,
मंदिर और मठ जो है उनको भी चेक करेंगे, कहीं बाहर का कोई आदमी आके रुका तो नहीं है वहाँ पे।